बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लाहौर से कराची से सफ़र है और बजरिया हम ट्रेन जा रहे हैं। लो जी, हम पहुंच गए जी कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लाहौर से कराची से सफ़र है और बजरिया हम ट्रेन जा रहे हैं। हम चूँकि वक्त पर पहुँचे हैं और हमारी जो ट्रेन है वो कुछ ही देर में पहुँच जाएगी। अलबत्त ये है कि चूँकि ये लाहौर है और लाहौर का जो स्टेशन है वो वेल फर्निश्ड है। हम सफ़र करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि सफ़र कैसा रहेगा और इसमें मज़ीद क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं और आया कि वैसा ही है। तो हमारे साथ रहिएगा, मैं रास्ते में आपको आगाह करता रहूँगा कितनी देर में हमने कहाँ पहुँचे। और चूँकि हम यहाँ पे ग्रीन लाइन जो ट्रेन है उनका उसके सफ़र से महसूस होना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अभी चूँकि हमारी ट्रेन आने वाली है, हम लाहौर के स्टेशन का उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी जब भी हम उस पर बैठेंगे आपको भी हम दिखाएँगे। हमारे साथ रहिए। हाँ जी, तो हम पहुँच गए जी खानेवाल और मेरी टोपी ज़रा सीधी कर लूँ मैं अपनी, और पीछे जो है वो हमारे साथी हैं वो तैयार हो रहे हैं। हल्का फुल्का कुछ खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जो है वो इंशाल्लाह हम रवाना होंगे जो है वो कराची की तरफ। और ये है जी वकार खान। वकार खान जो है वो क्या, कौन सा सीरीज़ देख रहे थे आप? सीजन 5। अच्छा, तो ये जो है वो हमारे शहजाद साहब हैं जिनको सर का पेन तो हो रहा था लेकिन शायद हमने डिस्टर्ब किया है इनको। डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओके। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं? अब्दुल हमीद। अच्छा, आपने आपको देखा है, तो आपका कैसा सफ़र रहा जी? हमको अच्छा है अब तक। भूख लगी हुई है आपको? महसूस हो रही है थोड़ी? कुछ खा लिया जाए इंशाल्लाह। क्या खाया जाए फिर? वो हम मैनेज करते हैं, तो देखते हैं क्या चीज़ अच्छी मिल रही है उस मुताबिक काम करेंगे। ठीक है जी। हम जो है बुखारीवाल से अभी नाश्ता करके निकले हैं, बल्कि नाश्ता डिनर हम कह देते हैं, क्योंकि ये था कि हमें भूख भी थी और शाम को हमने खाना भी नहीं खाया हुआ था। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इनको एक ख़ास चीज़ मालूम होगी, क्योंकि शहजाद साहब जो हैं वो पसंद थे चाय के और हमने गलती से कॉफ़ी का आर्डर दे दिया। अब ये बताएंगे जी, कॉफ़ी का आर्डर हमने दिया वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ या सबक अब साबित हुआ? तो अभी जो है वो इंशाल्लाह हम सफ़र में हैं और कुछ देर आराम करते हैं। आराम करने के बाद इंशाल्लाह हम हमारी दूसरा जो ब्रेक होगा वो कहाँ पे होगा? न्यू सूबे बहावलपुर। अब इंशाल्लाह जो है बहावलपुर कुछ टाइम के लिए ब्रेक। हाँ, रास्ते बहावल पंजाब पंजाब का हिस्सा ही है। और बहावलपुर के बाद हम कब जो है वो शाम दाखिल होंगे सिंध की जो हदूद में? तीन चार बज जाएंगे। और सबसे पहला कौन सा शहर आएगा जिसमें हम जो है काम करेंगे? वो सखर में आएंगे। तो सखर में आप रुकना चाहेंगे या वैसे ही अपने जो आराम भी घुमाएगा? ठीक है, इस तरह का नाश्ता तो नहीं रहेगा इनका? मशरा जो लेन का पहले पंजाब साजे ओके जी, ओके, मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। जी, हम जो है वो रोड़ी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारी सुबह हो गई है। रात को मैं तो कुछ देर जागता रहूँ और कुछ देर सोता रहूँ। कार भाई ने नींद अच्छी पूरी की है। पाँच बजे हम फॉली फॉली बजे से लेके पाँच बजे तक। हाँ, या छः बजे तक। ठीक है, अब इंशाल्लाह आगे भी खोएंगे और जाके भी। ये हम किस स्टेशन पे हैं? ये हम लोड़ी सक्सेस स्टेशन पे हैं। सक्सेस स्टेशन है लोड़ी। हाँ हाँ, लोड़ी जो है सक्सेस सिटी है वो महज यहाँ के दूसरी साइड पे रह जाता है, इस वजह से सक्सेस का ही लेकर जैसे लोड़ी स्टेशन कर जाते हैं। तो ये कितने मिनट जो ट्रेन यहाँ पे स्टे करेगी? तो यहाँ पे 20 मिनट स्टे करती है। अच्छा। सुबह को नाश्ते का टाइम भी होती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, साढ़े छः बजे तक टाइम है यहाँ। हाँ, और 7 बजे यहाँ से निकलेगी। 7 बजे निकलेगी। इसलिए जो लोग हैं
वो सुबह उठने के बाद यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लेता। तो नाश्ते में मेरे ख्याल में यहाँ पे रूटीन की चीजें मिलती हैं, रूटीन की चीजें वही चाय वगैरह। यहाँ पे हलवे वाले सुबह सुबह क्यों आए हुए थे? वो तो वैसे अपनी चीजें बेचते हैं ना, वो यहाँ को खास सौगात है कोई खास? वो हलवा सारा ये बेल्ट का है, उस मुल्तान से कई बार से आगे यहाँ तक भी है। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह जो है अभी जैसे जैसे पहुँचते हैं हम आपको आगाह करते हैं। और हमारा अभी सफ़र कितना रह गया जी? मतलब अभी 6 घंटे का यहाँ से आगे तक 6 घंटे का रह गया। और उम्मीद है कि हम 6 घंटे जो है वो आगे आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि आगे जो सफ़र है वो जाके हम करेंगे।
हम लेके जाएंगे ना, बता दो 800 किलो कितनी बताएं तो सही ना। हैदराबाद पहुंच गए और हैदराबाद का जो स्टेशन है वो बड़ा तारीखी स्टेशन लग रहा है। अब चूँकि जो है वो इलाका जो है वो अच्छा इलाका है और माशाल्लाह हमने चूँकि रात को सो के गुजारा, अब हमें भूख लगी हुई है, हम सबसे पहले चाह रहे हैं कि कुछ खा भी लिया जाए और कुछ देख लिया जाए। तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। कितना टाइम है जी हमारे पास? 5 मिनट है बस। ओके जी, सिर्फ 5 मिनट है, थोड़ा सा खाएंगे फिर निकल। तो हमने जो है यहाँ से कुछ खाने के लिए चीज़ें ली हैं, इंशाल्लाह जो है वो हम कराची रवाना होंगे। यहाँ पे 5 मिनट का स्टे है और 5 मिनट के स्टे के बाद हम इंशाल्लाह जल्द रवाना हो जाएंगे कराची की तरफ और कराची पहुँचेंगे, फिर हम आपको कराची का भी नज़ारा दिखाएंगे। फ़िलहाल जो है वो हमें भूख बहुत लगी हुई है और नाश्ता हमारा यहाँ पे ही है, टाइम चूँकि काफ़ी हो चुका है, इंशाल्लाह हम पहले जो है वो खाना खा लेते हैं और फिर बाकी बातें होती हैं और फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। जो मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड हो चुकी हैं वो भी आपको दिखाएंगे और कराची तो फिर आपको दिखाना ही दिखाना है। लो जी, हम पहुंच गए जी कराची और कराची स्टेशन से अभी ही उतरे हैं और हम कल शाम को रवाना हुए थे लाहौर से। अभी जो कि हमने ऊबर करवाई है तो इंशाल्लाह वहां से हम ऊबर पे बैठ के, सॉरी करीम हमने करवाई है, वहां से बैठ के हम जो है वो पेरीटॉप की तरफ मूव कर जाएंगे। कराची स्टेशन है, यहां पे हम उतरे हैं, कैंडिया करीब ही आता है, वहां पे उतर के जो है वो हमने अगली मंजिल का आगाज़ किया है। अभी तक जो हमारा जो रेल लाइन की जो सफ़र है वो बड़ा अच्छा रहा है, इंशाल्लाह आगे का जो सफ़र होगा कराची का वो भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। रास्ते में जो हमारी वीडियोस हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, मज़ीद आगे जो हमारा जो प्लान होगा सी भी उसका, जहाँ जहाँ हमने जाना है वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह जो आगे करेंगे।